हेलो दोस्तों, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं बालों में कुछ लगा रही हूँ। तो मैंने आज बालों में लगाया है दही, क्योंकि बालों में है ना बहुत सारा डैंड्रफ सा हो गया है और खुजली आती रहती है, और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने सोचा चलो बालों के लिए भी कुछ किया जाए। तो बाल मेरे बहुत झड़ चुके हैं, देख आप देख ही सकते हो कितने पतले हो गए हैं। तो मैंने कहा लाओ अभी ये सही टाइम है कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो वही लगा रही हूँ, फिर इनको मैं लगा के छोड़ दूंगी और बाद में इनको धुल लूंगी। नहा धो तो चुकी हूँ। पे दही लगाने के बाद फिर है ना दोपहर का ही टाइम हो गया था, तो इच्छा हो रही थी सबकी मैगी खाने की। तो मैंने कहा ला चलो प्याज ये बहुत सारी आ गई थी, तो मैंने ना बेड के नीचे इसको रख ली थी, तो वहीं से प्याज निकाल ली और सोमू टमाटर ले आए हैं। बोले मैं कटवाऊंगा, तो देखो वो काट रहा है। उनको बड़ा शौक लगता है इन सब चीज़ों के, ये सब काम करवाने में। और यहाँ पे देखिए हम लोग काटने में लगे हैं प्याज टमाटर, फिर किचन में भी दिखेंगे। और देखिए सोमू अपने स्टाइल से काट रहा है। हमारे ना ये चाकू थोड़े शार्प कम है। अब ये देखिए यहाँ पे किचन में आ गए। बोले मैं मैगी के पैकेट खोलता हूँ, तब तक आप अपना काम करो। मैंने कहा ठीक है, मैं वो कर रही हूँ। मैगी भी वही लेके आए थे, क्योंकि मैगी नहीं थी। और ये मैगी नहीं है, ये कुछ दूसरा ही है, इसका नाम मैंने नहीं पढ़ा। इन्होंने खोल के ऐसे डाला, पर वो कहते हैं ना मैगी ही रट गई है तो वही निकलती है, तो मैगी उतनी अच्छी बनी नहीं थी। और मैंने प्याज टमाटर आज लिए हैं, थोड़े आलू भी। मैंने कहा लाओ चलो नया ट्राई करते हैं, आलू के बिना तो हमारा चलता नहीं। तो मैगी बची थी तो उसमें भी आलू डाल दिए, पर थोड़े डाले थे, ज़्यादा समझ में नहीं आए थे। और इसको मैंने है ना छोंक दिया है। अब मैं साइड में पानी गर्म करने रखूँगी, तो जिससे है ना थोड़े जल्दी हो जाता है। ये टमाटर गलाने में बहुत टाइम लग जाता है, और हमारे यहाँ ना टमाटर किसी को मुँह में ऐसे पसंद भी नहीं आता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। पता नहीं लोगों की कैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है, हमारी तो मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है। और देखिए कितना सारा सब डालना पड़ता है, और पकाने में भी टाइम जाता है। और मसाला भी मैं इसी में डाल दूँगी। और ये मैगी जिसमें तोड़ी थी, इसमें आटा रखा था, तो पता नहीं था ना कि अचानक से मैगी का प्लान हुआ, तो मैंने आटा उठा के फ्रिज में रख दिया। क्योंकि सुबह का आटा 8-9 बजे का गूंदा हुआ आप दोपहर के बाद रखो ना, तब तक तो ख़राब हो जाता है, इतनी गर्मी सी पड़ने लगी है। तो मैंने उसको तुरंत उठा के रख दिया और इसी में उसको तोड़ने के लिए दे दी थी। अब पानी तो मैंने डाल दिया, पर पानी थोड़ा कम हो गया। अभी इसको पूरा भरना पड़ेगा, तब अच्छे से पकेगी, नहीं तो खड़ी खड़ी रहेगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा और रख दिया, और ये देखिए प्लेट में आ गई है। और यहाँ पे ये शाम का टाइम है, 4:30, 4:30 हो रहे होंगे। तो अभी बहुत सारी नमकीन इकट्ठी हो गई थी और डिब्बे खाली नहीं थे, क्योंकि डिब्बों में ना अभी होली का सब कुछ ना कुछ रखा ही था। तो मैंने ये पैकेट एक भी नहीं खोले थे, मैंने ऐसे ही कैसे रहने दिए थे। मैंने कहा जब ये सामान ख़त्म हो जाएगा फिर इनको साफ़ करके फिर ये भरेंगे। तो मैंने कहा लाओ चलो आज कर लेते हैं।
ये भी काम। तो मैंने सारे डिब्बे इकट्ठे किए, सारी नमकीन निकाली। ये टिन का डिब्बा था, इसमें थी, और एक दो डिब्बों में अलग अलग थी, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चलता है ना, हम भूल भी जाते हैं कि अपने पास क्या है क्या नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट पैन में रखते हैं ना, तो ये फ़ायदा बहुत होता है। और ये डिब्बे मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, जब ये किचन मेरा बना बना था, 15-16 में बना था, तो तभी मैंने लिए थे। मैंने बोला किचन में इतना सारा खर्चा हुआ है, तो फिर वो पहले तो क्या जैसे डिब्बे आ जाते थे वैसे ही अपने धो के यूज़ कर लेते थे, कोई बड़ा कोई छोटा, कभी किसी का कभी किसी का। तो मैंने वो सारे डिब्बे हटा दिए थे, फिर ये सारे डिब्बे एक सेट जैसा ले आई थी। एक ये ऐसा है और एक दूसरा है ब्लू कलर का, दो तरह के हैं, क्योंकि एक सारे के सारे एक जैसे नहीं मिल पाए थे, तो तब का है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, अभी ये ऑनलाइन बहुत दिखने लगे हैं। पहले तो मुझे फर्स्ट टाइम देखे थे तभी मुझे अच्छे लगे थे, ये वाला तब 110 का आया था। ये तीन साइज़ के हैं मेरे पास, एक सबसे बड़ा, फिर 6 छोटे हैं और 2 मिडल हैं। तो ये सब मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने ले लिए थे, और चीज़ भी बहुत अच्छी है। इतने साल हो गए ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये देखिए हमारे नमकीन का पूरा है ना स्टोर हो गया, 6-7 डब्बे भर गए थे, तो मैं उनको ही एक एक करके रख रही हूँ। और फिर जो बच जाती थी ना, कि कोई डिब्बा फुल हो गया है ना, तो उसकी नमकीन बच गई है, तो मैंने फिर सारी नमकीन, देखो ये आपको दिख रही होगी थैलियों में, इनको सबका इकट्ठा करके एक मिक्स चबाना हो गया था। मैंने कहा मार्केट वाले ऐसे बनाते ही हैं ना, तो अपना घर पे ही बना लेते हैं। तो कल तो मैं कल बिल्कुल लेटी भी नहीं थी, और नहीं तो मैं अभी आजकल मेरा है ना काम काज का कुछ वो नहीं है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, पर कल मेरे बहुत सारे पेंडिंग वर्क हो गए थे, छत से लेके छत भी साफ़ करनी थी वो भी किए थे, और मेरे कुछ गेहूं भी ख़राब से हो गए हैं थोड़े, उनको भी साफ़ करना था, धुल तो गए थे पर वो पड़े थे वो भी हो गए, और आटा भी पीसना था तो वो भी काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब नवरात्रि आ जाएगी, तो जहाँ तक होता है नवरात्रि में है ना घंटी नहीं चलाते हैं, पहले ही पीस के रख लेते हैं। और आटा भी ख़त्म हो चुका था, और हमेशा का यही नियम सा है, जहाँ तक हो सकता है नहीं पीसते हैं, और उस तरह से है ना आटा भी चलता ही रहता है। तो वही सब काम थे, तो मैंने कहा लाओ कर लेते हो, नहीं तो लेट जाओ ना, तो फिर तो मेरा आलस बढ़ता ही जाता है। और ये देखिए किचन के हमारा डिब्बे का नीचे वाला, जहाँ हम रखते हैं ना वो वाला पार्ट है, वाइट वाला डोर खुलता है तो ये दिखता है, और ऊपर ये सब। यहाँ पे देखिए मैंने जो बची खुची नमकीन थी ना वो सबको मिक्स कर दी है, और ये आलू भुजिया है, और इसके अलावा भी कितनी सारी चीज़ें बच जाती हैं जो हमने फिर से ये टिन में भर दी। क्योंकि घर में कितने भी डिब्बे हो ना, कितना भी हो, पर ये जो पोटले पोटली थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 डिब्बे हो गए। ये है सींग भुजिया, ये है तीखा चबाना थोड़ा, ये मिक्स है भुजिया है, ये मिक्स वाला है, और ये जो थोड़ा थोड़ा बचा था वो है। और ऐसे ही मैंने देखे सारे डब्बे भर दिए, साइज़ वाइज देखो ये इस साइज़ के हैं मेरे पास, और अब मैं इनको रख लूँगी। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये भी लाई थी, 2 टाइप के हैं मेरे पास। ये देखिए अभी दूर से दिख रहा है कि आरओ से कैसा मैच हो रहा है कलर पूरा, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से मैच कर ही जाते हैं। तो अब इनको सब रख के फिर मैं आगे के दूसरे काम करती हूँ। आटा पिस रहा है तो उसमें उसको है ना घंटी में से निकालना है, फिर दूसरे गेहूँ डालना है, 2-3 दिन का वो काम हो जाता है, क्योंकि किसी को आवाज़ पसंद नहीं होती है ना, तो उसको चालू ही नहीं रखते हैं सुबह शाम, और दोपहर में सोने का टाइम होता है अपना भी, और कोई और भी बाजू में भी सोता है तो आवाज़ तो होती है ना क्योंकि बाहर है। तो मैंने सारे डिब्बे रख दिए, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ इसको खोल के। अभी ये पहला ही है, ये इसमें भर दूंगी टंकी में, एक टंकी और एक प्लास्टिक का डिब्बा, इतना भर लेती हूँ। इस बार थोड़ा और एक्स्ट्रा पीसूंगी, क्योंकि नवरात्रि भी है, बच्चों को भी खिलाना पिलाना होगा, और भी अगर कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं शायद वो मैं बताऊंगी आपको, तो उसमें भी चाहिए। तो फिर ये आटा पीसना तो बहुत ईजी है, पर घंटी साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम जाता, तो फिर एक थोड़ा सा आटा पीसना होता है ना, तो मन नहीं होता है कि अरे फिर से इसको गंदा करने का, फिर साफ़ करने का। तो वह मैंने डाल दिए हैं गेहूँ, थोड़े कम हैं, अब मैं ऊपर जाऊँगी। तो वहाँ के मैंने गेहूँ थोड़े साफ़ करे थे और नीचे ले आई थी, मम्मी भी करवा रही थी। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में कढ़ी बनाने के लिए। कढ़ी की रेसिपी आपके साथ बहुत बार शेयर कर दी है, इसके लिए मैं पूरी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बहुत बस ऐसे ही
जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि पकौड़ी तो मैं बना चुकी हूँ और साइड में बन रहे हैं चावल। सब्जी रखी है दोपहर की, क्योंकि दोपहर में मैगी खाई गई थी तो पूरी की पूरी रखी है, तो मैंने कहा अब क्यों बनाने की। अब इसमें मैंने ले लिया हींग और हल्दी, और पहले डाल दिया था मैंने करी पत्ता, राई, मिर्ची, और अब ये छौंक तैयार हो गया है। फिर और साइड में दो कटोरे में दिख रहा है बेसन का छाछ का घोल, वो डालूंगी। और सर्दी हो गई है तो थोड़ी आवाज़ तो ऐसी आ रही है जीप सी, सर्दी तो अभी सबको ही हुई है, और इसको मैं छान लेती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत जो भी गांठें हों दही की और वो बेसन की वो निकल जाए। और इसको 2-3 बार धो के डाल देती हूँ ना, तो सब कुछ इसमें आ जाता है। और बस यही था हमारा रात का डिनर, और वीडियो का भी मैं एंड होने ही वाला है। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लिया करें, और वीडियो को देखा करें। सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, कोई भी लगता नहीं है कि देखता है। अभी तो दिन भी बड़े होने लगे हैं, काम भी इतना मतलब आराम से हो जाता है, सर्दियों में तो क्या थोड़े दिन ज़्यादा ही छोटे होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को भी देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और कहाँ से देखते हैं तो क्या वो मुझे पता चले। और ये देखिए मैंने और पानी डाल दिया, क्योंकि मैं पहले ना थोड़े कम पानी में पकाती हूँ जिससे जल्दी उबाल आ जाए, और फिर पूरा भी मैं भर दूँगी। अच्छी लगती है कढ़ी, अभी तो ना ठंडियों में क्या, हमारे यहाँ तो 12 मास कढ़ी हमेशा पसंद ही आती है, पर अभी कुछ खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है, तो आलू खाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, तो कढ़ी है या दाल चावल है यही ढंग से खाए जाते हैं। और बच्चों को भी सर्दी हुई है, हमारे तो बच्चे भी है ना कढ़ी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, तो धैर्य ने भी कढ़ी चावल ही खाए थे मैंने भी, और रोटियाँ तो सबने बहुत कम ही खाई थी। और अभी मैं इसको चला ही रही हूँ क्योंकि अभी इसमें उबाल नहीं आया है, और उबाल आने के बाद बस फिर मैं इसको थोड़ा धीमा कर दूंगी, फिर कोई टेंशन नहीं है कि हाँ फटेगी कि नहीं। और सबसे बड़ा एक कारण ये भी होता है, अगर आप नमक लास्ट में डालोगे ना तो आपकी कढ़ी कभी नहीं फटेगी, और अगर आपने पहले डाल दिया तो फट ही जानी है। तो बस यही था हमारा सिंपल डिनर। चलो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।